अभी मेरी और 50 से 60 लोग देख रहे हैं, मैं बीच चौराहे पे खड़े हो भाई। लोग सोच रहे हैं, लोग देख रहे हैं, क्या सोच रहे होंगे भाई। अरे भाई मेरे पैर कांप रहे हैं। सो हेलो जी, हेलो, स्वागत है आपका आज के न्यू व्लॉग वीडियो में। मैं आपका दोस्त और होस्ट वेला मुसाफिर। तो भाई आज हम आपके लेके आए हैं हाउ टू व्लॉग इन पब्लिक पार्ट 2। भाई पहली वीडियो में आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया ना, 1.7 लाख से ज़्यादा भाई व्यूज़ आ गए उस वीडियोस पे। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि क्या इस वीडियो पे उससे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको भाई एग्जाम्पल के साथ पूरा बताएंगे कि आप पब्लिक में व्लॉगिंग कैसे कर सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ। भाई कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे ना, मैं लिख के देता हूँ कि आप पब्लिक में व्लॉगिंग करने के लायक बन जाओगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई फर्स्ट टिप है बी अ कैमरा फ्रेंडली। वैसे तो व्लॉगिंग कई प्रकार की होती है, मोटो व्लॉगिंग, पब्लिक व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग, लाइफस्टाइल व्लॉगिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्लॉगिंग। आपको डिसाइड करना है आपको कौन सी व्लॉगिंग करनी है। बस सब में एक बात कॉमन होती है, कॉन्फिडेंस, पब्लिक कॉन्फिडेंस। भाई पब्लिक कॉन्फिडेंस के लिए सबसे पहली बात होती है कैमरा फ्रेंडली। ऐसे नहीं कि हम कैमरे के साथ बातें करेंगे, कैमरे में देख के बातें करनी है भाई। आपकी जो आंखें हैं वो लेंस के बीच होनी चाहिए, जैसे भी मेरे हाथ में है। तो कैमरा हमारा एक साथी है। अगर हम सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, सोलो व्लॉगिंग कर रहे हैं, उसमें कैमरा हमारा साथी है। हम कैमरे को अपना साथी बनाएंगे और हम जो कैमरे से बातें कर रहे हैं ना, तो ऐसे लगना चाहिए कि हाँ भी हम अपने साथी से बात कर रहे हैं, हम अपने जानने वाले अपने भाई बंधु से बात कर रहे हैं। उस हिसाब से आपको कैमरे में बातें करनी है, जिससे आप एक अच्छे कैमरा फ्रेंडली बन सकते हो। लेकिन वक्त के साथ जो आप कैमरा फ्रेंडली बन पाओगे, बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, कुछ ऐसे ही इंग्लिश में कहावत है। ऐसे हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना भाई, हम उतना ही अच्छा एक कैमरा फ्रेंडली बन पाएंगे। कैमरा फ्रेंडली इंस्टाग्राम पे लाइव आ जाओ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फॉलोअर के साथ बात करो। यूट्यूब पे अगर आपके 1K सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं तो भाई यूट्यूब पे लाइव आओ, अपने जो दोस्तों से बातें करो। पब्लिक में आ जाओ, पब्लिक में कैमरा लेके घूमो, जैसे मैं घूम रहा हूँ, अच्छे से बातें करो। जो बात बोलनी है सही बोलनी है बस। सेकेंड टिप है भाई स्पीक लाउडली। पब्लिक में नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, पी पी हूँ हूँ लोगों की आवाज़ें सब, लेकिन आपकी जो आवाज़ है सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई चिंग चिंग के बोल रहे हो, हाँ जी हैगा ये है वो, भाई नहीं, आराम से बोलो, ज़्यादा बोलो पर थोड़ा ऊंचा बोलो कि लोगों को लगना चाहिए भाई दम है इस बंदे में। अगर आपके व्यूवर्स यानी आपकी जो यूट्यूब फैमिली है उसको लगेगा कि भाई हाँ ये ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, आवाज़ अच्छे से बोल रहा है, जो बोल रहा है हमें समझ आ रहा है, तो भाई आपके जो व्यूवर्स हैं वो आपकी वीडियो को पूरा देखेंगे, नहीं तो वो स्किप कर जाएंगे और किसी और को वीडियो को देखेंगे। तो भाई अपनी ऑडियंस को बनाए रखने के लिए आपको अपनी आवाज़ ऊंची और क्लियर होनी चाहिए। भाई अभी मैं पहुंच गया हूं विक्रम चौक में, लोकेशन चेंज कर रहा हूं ताकि आपको भी मज़ा आए और मुझे भी बैठ से। भाई ये तो ग्रीन लाइट होगी भैया, सेंटर पॉइंट मिला, अब हम ये सेंटर में खड़े होके बोलेंगे। तो भाई थर्ड टिप यही है कि अवॉइड पब्लिक रिएक्शंस। पब्लिक बारे में क्या सोच रही है, सोचना हमारा काम नहीं है भाई। अगर लोग आपको पागल भी सोचते हैं ना, सोचने दो, उनका काम है सोचना, आपका काम है करना। अगर मैं 24 का हो गया हूँ, अगर मैं अभी भी यही सोचता रहूँगा ना, तो भाई लोग सोच रहे हैं, लोग देख रहे हैं, क्या सोच रहे होंगे भाई। अरे भाई मेरे पैर कांप रहे हैं, होता है, लेकिन भाई ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, बस अपना जो काम है उसको करने का और बोलने का भाई पब्लिक में। इतनी टेंशन वाली भाई बात नहीं है पब्लिक में बोलना। अगर आपने सोचा है कि आपने ब्लॉगिंग करनी है, तो भाई ब्लॉगिंग करने के लिए पब्लिक में बोलना बहुत ज़रूरी है, वो इतना मुश्किल भी नहीं है। अभी मेरी और 50 से 60 लोग देख रहे हो, मैं बीच चौराहे पे खड़े होके बोल रहा हूँ आराम से, क्योंकि मुझे पता है मुझे देखने वाले लोग लाखों में हैं। अभी अगर ये कुछ लोग सोच भी रहे हैं, मुझे इस चीज़ से, इस बात से भाई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका जो मेन फोकस है ना, वो आपके कैमरे के लेंस पर होना चाहिए, आपके कैमरे पे, आपके साथी पे। कैमरा आपका साथी है, आप अकेले बात नहीं कर रहे हो। बस यही कुछ बातें होती हैं भाई पब्लिक में, बस आप खुल के बोलो। अगर आप पब्लिक में खुल के बोलोगे, लोगों को अच्छा लगेगा और आपकी जो वीडियोस पे व्यूज़ हैं भाई वो मिलियंस में जाएंगे। अभी मेरे खुद मिलियंस में नहीं गए हैं, लेकिन जाएंगे भाई, इन फ्यूचर जाएंगे। अगर मैं अपना जो काम है बिल्कुल अच्छे से करता रहूँगा, तो भाई मेरे जो व्यूज़ हैं वो मिलियंस में जाएंगे। अभी भाई घूमते घूमते बस स्टैंड पहुँच गए हैं, यहाँ पर थोड़े बहुत लोग हैं, थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा लोग हैं। लेकिन अपने आप को चैलेंज देना बहुत ज़रूरी है।
अगर आपको, अगर आप घर से सोच के निकलोगे ना कि हाँ अभी हमें पब्लिक में बोलना है बिना झिझके बिना हिचके, खुद की प्रैक्टिस करनी है, तो भाई विश्वास मानो आप कर लोगे। अभी लोग देख रहे हैं, लेकिन हमें बस इन्हीं को अवॉइड करना है। अवॉइड मतलब ये नहीं कि इनसे बुरा मानना है, गुस्सा करना, इग्नोर मारना, नहीं। आपको बस जो अपना आई कॉन्टैक्ट है वो आपके कैमरे के साथ होगा ना, अगर आपको कोई भी देख रहा है तो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जैसे ये मेरे साथ चल रहा है, लेकिन खैर ये तो अपना भाई है, शुरू शुरू में आपकी जो जुबान है वो थथलाएगी, हो सकता है आपके पाँव भी कांपे, सब हो सकता है। आप अपना जो कैमरा है उसको बंद करके जेब में डाल लो, लेकिन भाई यही चीज़ों से हमें बचना है, और जो हमें बोलना है वो बोलना है। अभी हम बाहर चलते हैं और आपको चौथी टिप बताते हैं, जो कि इन तीन टिप्स में से काफ़ी ज़्यादा जो है ना भाई ज़रूरी है, वो चौथी टिप। चौथी सबसे ज़रूरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप है, बी अ बेशरम और पागल। हमें बेशरम और पागल बनना है। ऐसे नहीं कि भाई सड़कों पे नंगे होकर नाचेंगे या लोगों को गालियाँ देंगे, ये सब नहीं। अगर आपको किसी चीज़ से डर है, जैसे पब्लिक में लोग नाचते हैं आजकल, तो अगर आपको उस चीज़ से डर है तो भाई वो करेंगे। अगर आपको पब्लिक में कुछ बोलने से डर है तो वो करेंगे। पब्लिक में किसी चीज़ से अगर डर है ना तो भाई वो सब करेंगे आज, ठीक है। अभी वैसे शाम पड़ रही है, देखो भाई हमें जो करना है हमें जल्दी से जल्दी करना है, लेकिन जो करना है भाई होशो हवास में करना और अच्छे से करना है। आज हम पब्लिक में बातें ही नहीं करेंगे लोगों से कि लोग क्या नहीं सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल या ये समथिंग, कुछ नहीं भाई। आज थोड़ा अलग करेंगे, देखना आप। पब्लिक में नाचना है भाई तो नाचेगा आपका भाई, पब्लिक में गाना है तो गाएगा आपका भाई, पब्लिक में मौजू करना है तो करेगा आपका भाई। लेकिन आपका बस एक काम है, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। अबे हमें यहाँ पे नाचना है भाई, यहाँ पे क्या मैं कर पाऊँगा? हाँ भाई मैं करूँगा आपके लिए। तुम अपने जीवन के मालिक हो, तुम अपने जीवन को अपने ढंग से जीना, तुम हो। और तुम इसकी फिक्र मत करना कि लोगों का मत क्या है, मत की फिक्र की तो तुम्हें वो पागल बना के छोड़ेगी। जिसने लोगों के मत की फिक्र की वो दो कौड़ी का होके मरता है। तुम अपने भीतर की शांति से, अपने भीतर के आनंद से, अपने भीतर के बोध से जीना, जो तुम्हें ठीक लगता हो उसे करना, तो ही तुम कहीं पहुंच पाओगे। जितना नाचा भाई उतना बहुत है, लेकिन फिर भी अगर अभी अगला हमारा पब्लिक में गाना गाना है भाई, तीन से चार ऑडियंस पर, तीन से चार लोग पकड़ेंगे, उनके सामने गाना गाएंगे प्रसिद्ध। वैसे मैं गाता तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी गाना है भाई, ये चैलेंज है अपना, ठीक है। चलो भाई आ जा। लोग तो इकट्ठे नहीं हो रहे हैं अभी, बस अभी मेटाडोर में चढ़ते चढ़ते गाना गाते गाते चढ़ेंगे, ठीक है। जीनी के है चार दिन, ओ क्या हुआ, सीट नहीं मिली पीछे? निभाई भी ना गई, क्या बात है, रूखो शिकाती भी मैं ते, निभाई भी ना गई, जीने के है चार दिन, बाकी है बेकार दिन, ओ जाए 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 जाए, जवानी जवानी फिर ना आए, ओहो जवानी फिर ना आए। भाई मैंने इससे पहले कभी ऐसा गाया गाना नहीं गाया पब्लिक में, लेकिन आज गाया, पता क्यों? आपको दिखाने के लिए कि आप भी ऐसा कर सकते हो भाई, ठीक है भैया। जय माता दी। भाई अभी मुट्ठी पहुंच गए हैं, जम्मू की मुट्ठी पहुंच गए हैं, तो वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप जो आपको मैंने टिप्स बताई हैं तीन से चार आपको अच्छी लगी होंगी भैया। भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, तब तक के लिए जय श्री राम और बाय।